भाग्य रहा, अपने समाज के लोग हमें कमी काम मिले मुझे, और जो अभी जो दो मिले भी हैं मैं जानता हूँ, मेरे भगवान जानता हूँ, एक उन्होंने बताया आपकी एक्सपेक्टेशन से मैं बिल्कुल संबंधित हो गया हूँ, लेकिन इस संदर्भ में उसको मत जोड़िए ना, ये तो अपने आप ही जुड़े हैं। कह लिया हमने, सुन लिया, आप अच्छे क्रिकेटर भी हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी लगते हैं मुझे, इसमें कोई शक नहीं है, ये होना चाहिए और चाहिए। मैं मेरा प्रयास बहुत कुछ करने, मतलब किस जो इस टाइप का नहीं, वो तो ठीक है, बहुत कुछ मैं भाई सब कुछ लगेगा तो ना, काला जी सब कुछ हो जाएगा। मैं सब समाज के लोग हैं और सब लोग एक दूसरे का सहयोग करने वाले। क्या कार्यक्रम है और किस कार्यक्रम के कारण बैठक? मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा का राष्ट्रीय मंत्री हूँ। मेरे साथ हमारे दामोदर लोहानी जी, हमारे अध्यक्ष श्रीमान संजीव सिंह नेगी, हमारे महासचिव श्री जेसी काला जी, हमारे सलाहकार मुख्य सलाहकार श्रीमान हेमंत डिमरी, हमारे कोषाध्यक्ष और मेरी उत्तराखंड महासभा के सभी कार्यकर्ता आज इस कारण से यहाँ विराजमान हैं क्योंकि हम लोग विगत 13 वर्षों से लगातार इस बरेली में जितने भी हमारे प्रवासी भाई हैं उन सबके लिए एक आयोजन करते हैं, उसका नाम है बसंतोत्सव। इस वर्ष हम 14वां बसंतोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं और ये बसंतोत्सव रोटरी भवन में आगामी 27 फरवरी 2022 को अपराह्न 2 बजे तक चलेगा, प्रातः है 10 बजे से। और अब की बार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय संतोष गंगवार जी रहेंगे, कार्यक्रम की अध्यक्षता उमेश गौतम जी करेंगे और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में माननीय रोहित सिंह सजवाण जी, आशीष पटेल जी और अन्य अन्य बहुत सारे अधिकारी वर्ग रहेगा। अब की बार महासभा इस 14वें बसंतोत्सव को पूर्णतः अपने CDS माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय बिपिन रावत जी को समर्पित कर रही है। हम अपने सेना नायकों को समर्पित कर रहे हैं, अपने अमर शहीदों को ये कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं और उत्तराखंड के प्रत्येक घर के अंदर कोई ना कोई हमारा आर्मी के अंदर काम करने वाले लोग रहते हैं। हम लोगों ने सदैव से देश की रक्षा करी है, हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में दो दो रेजिमेंट सेंटर्स हैं और हम लोग सदैव से आर्मी को ही अपनी पहली प्राथमिकता देते हैं, इसलिए हमारे CDS रावत जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि है। उनको समर्पित इस कार्यक्रम में हम लोग अब की बार माननीय अशोक गोयल जी एयर मार्शल एयरफोर्स, उनको हम अपनी नागरिक अभिनंदन उनका कर रहे हैं, अपने तमाम सेना नायकों का और अपनी शहीद विधवाओं का, शहीद की जो विधवाएं हैं हमारे उत्तराखंड में जो भी हैं उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। साथ ही हम लोग अब की बार 7वां डॉक्टर वीरेन डंगवाल साहित्य सम्मान अवनीश यादव जी को दे रहे हैं और उत्तराखंड गौरव का सम्मान हम अपने संरक्षक माननीय राम सिंह जी को दे रहे हैं जो हमारे साथ लगातार विगत वर्षों से हमारे साथ जुड़े रहे हैं। उनका बहुत बड़ा सहयोग हमारी महासभा के साथ रहा है और उत्तराखंड के तमाम प्रवासी उनके किए गए कार्यों के प्रति उनको यहाँ से विदा भी दे रहे हैं क्योंकि सेवानिवृत्ति है। तो इस प्रकार इन कार्यक्रमों के साथ हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, प्रतिभाशाली बच्चों को हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं और साथ